जहीन की कॉल आई थी मुझे दोपहर में, बता रहा था कि एहसन साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र जहीन भी कह रहा था कि शाम तक पहुंच जाएगा। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आए हो? सारा को लेकर नहीं आए? एहसन साहब की तबीयत कैसी है? बेहतर है अबा, और सारा कुछ दिन के लिए वहीं रहेगी। अच्छी बात है, एहसन साहब की देखभाल के लिए उसको वहां रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए, शायद तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। नहीं अब्बा, मेरी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, कल मैंने दफ्तर जाना है और फिर सारे मैं ना वहां पर, सारे उनका ख्याल रख रहा है। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, सारे में ही तो असली दामाद है उनका। वैसे भी एहसन साहब ने इसको कभी दामाद माना ही नहीं। क्यों, तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी? लो भाई, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? सही तो कह रही हूँ मैं। क्यों अब्बा, आप बताएं, सही नहीं कह रही मैं? तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी होता है। जाओ किचन में जाकर खाना गर्म करो जहीन के लिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खा कर आया। यूं कहो कि ससुराल से खाना खा के आए हो। जहीन बेटा, कल शाम को एहसन साहब के घर ले चलोगे हमें? हाँ माँ, मुझे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं ले जाऊंगा आप लोगों को। और वैसे भी डॉक्टर ने मना किया अभी एहसन साहब को किसी से मिलने जुलने से। इसको क्या हो गया? अम्मा मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे नहीं लगता कि सारा इस घर में कभी वापस आएगी। लिख के देने को तैयार हूँ मैं आप दोनों को। बुराई सोचना हमेशा बुराई। क्या बोलें इसको।